आफ्टरनून टू ऑल. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. न्यू चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यू नो द मीनिंग ऑफ म्यूजिक. आप म्यूजिक सुनते भी होंगे. इंस्ट्रूमेंट, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बजाने के अलग अलग चीजें होती हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सी दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. द पेयर ऑफ मैरकास इज फ्रॉम मैक्सिको. ये जो पेयर है मैरकास के, ये मैक्सिको के हैं. मैरकास आर मेड ऑफ होलोड गोवर्ड और कार्विड वुड. ये एक कार्विड वुड यानी एक अलग तरह की लकड़ी से बनाया जाता है. एंड फिल विथ थिंग्स लाइक पेबल्स, ब्राइट बीन्स और सीड. इनके अंदर छोटे छोटे या तो बीजों को डाला जाता है या किसी भी प्रकार के आवाज करने वाली चीजों को इनके अंदर डाला जाता है. द म्यूजिशियन होल्ड वन ऑन ईच हैंड एंड शेक देम टू मेक म्यूजिक. म्यूजिकल जो रहते हैं म्यूजिशियन, वो एक हाथ में एक पकड़ के और शेक करते हैं, मींस हिलाते हैं, तो इनमें से अलग प्रकार की आवाज आती है. द रेबिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड. जो रेबिस है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेबिस दैट आर यूज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका. अफ्रीका में रेबिस टाइप के अलग अलग टाइप के हैं जो एशिया और अफ्रीका में यूज किए जाते हैं. अ फ्यू ड्रम फ्रॉम अफ्रीका. ये अफ्रीका में जो ड्रम है यूज किए जाते हैं बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट. ए बैंड विच ऑफ द ड्रम विथ अ फ्रेम. ये फ्रेम के साथ बैंड रहता है. नेक्स्ट, डिजेम्बे मेड फ्रॉम अ ट्री ट्रंक एंड कवर्ड विद द एनिमल स्किन. ये ट्री के ट्रंक से यानी ट्री की छाल से बनाया जाता है और इसको इसके ऊपर एनिमल की स्किन को कवर्ड किया जाता है. ए सेरेमिक क्ले ड्रम. यहाँ हम तबले के रूप में जानते हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में यह तबले के रूप में हमारे यहाँ बजाया जाता है. नेक्स्ट इज डजुन. डजुन ये भी एक प्रकार का ड्रम है जो एशिया और अफ्रीका में बजाया जाता है. टॉकिंग ड्रम. टॉकिंग यानी इसमें से आवाज आती है बोलने जैसी. नेक्स्ट इज द डिडगेरिबू इज यूज इन ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल सेरेमोनीज. सेरेमोनीज में डिडगेरिबू बजाया जाता है. ट्रेडिशनली आ डिडजेरिडो वॉज अ पीस ऑफ इक्यूलिप्स वुड नेचुरली होलोड आउट बाय द टर्मिट्स. ये भी एक तरीके की अलग प्रकार की लकड़ी से बनाया हुआ है. दीज डेज डिडजेरिडोज आर मैन मेड. लेकिन अभी इंसानों द्वारा भी बनाया जाता है. ये आपको दिख रहा है, ये पहले लकड़ी में से ही बन जाता था बट अब मैन मेड भी बनने लगा है. द बेलालिकाइस इज अ वेरी पॉपुलर इन रशिया. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये रशिया में बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है. इट इज थ्री स्ट्रिंग. इसमें आप देख रहे होंगे थ्री स्ट्रिंग है, तीन तारे हैं एंड अ ट्रायंगुलर शेप. ये एक ट्रायंगल शेप का इंस्ट्रूमेंट है. इट इज यूज इन सॉन्ग. ये हम सॉन्ग गाते हैं तब डांस करते हैं. एंड ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है. इट कम्स इन अ डिफरेंट साइज. ये छोटी साइज में भी आते हैं और बड़ी साइज में भी आ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग. राइटिंग अलग अलग प्रकार की राइटिंग होती है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ईच हैज इट्स ओन रूल एंड मेथड. हर किसी की लिखावट की अलग अलग तरीका रहता है. ए बायोग्राफी. ये बायोग्राफी क्या होती है? ए बायोग्राफी इज द रियल एंड लाइफ स्टोरी. ये खुद के जीवन पर लिखी हुई एक स्टोरी रहती है. ऑफ अ पर्सनल रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है. एंड ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स इट्स ओन लाइफ. खुद की लाइफ की स्टोरी खुद के द्वारा लिखी गई. जिसकी वह स्टोरी है वही लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. अ लिमरिक इज अ शॉर्ट पोयम इन 5 लाइन. लिमरिक जो रहती है वो सिर्फ 5 लाइन की कविता रहती है, पोयम. एडवर्ड लियर एन इंग्लिश पोएट इज अ फेमस फॉर हिज लिमरिक्स. लिमरिक्स आर ऑफ्टन फनी. ये फनी भी हो सकती हैं, जोक टाइप्स भी हो सकती हैं और किसी के ऊपर बेस्ड भी हो सकती है, मोरल वैल्यू भी हो सकती है.
देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड इट इज अ जस्ट आई फियर्ड. जो देयर वॉज एक ओल्ड मैन था अ बियर्ड हु सेड जिसने कहा इट इज अ जस्ट एज आई फियर्ड. टू आउल्स एंड अ हैन मैं डर गया दो उल्लू से और एक हैन से. फोर लार्क्स एंड अ वरेन हैव ऑल बिल्ट देयर नेस्ट इन माय बियर्ड उन सभी ने मेरे बियर्ड में अपना घर बना लिया. ये उनकी लिखी गई पोयम है फाइव लाइन्स की. अ नॉवल अब नॉवल क्या होता है. अ नॉवल इज अ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी छोटे से किस्से के ऊपर भी यानी बड़ी वह नॉवल रहती है. इट इज यूजली अबाउट द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन कैरेक्टर किसी एक के द्वारा जो भी उनके लाइफ में जो भी हुआ है मेन चीज उनके एक्सपीरियंस हुए हैं वह उस नॉवल में लिखे जाते हैं. इट प्लेज अ स्टोरी विच इज टोल्ड थॉट द स्पीच एंड एक्शन प्ले होता है. आप स्कूल में भी प्ले करते हैं स्पीच होती है एक्शन के साथ आप करते हैं. फॉर कैरेक्टर इट इज एक्टेड आउट इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल आप ड्रामा करते हैं. एज एग्जाम्पल आप ड्रामा करते हैं वह एक प्ले कहलाता है. एंड एब्रेज स्टोरी इज अ स्टोरी विच इज री राइट टू मेक अ शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड. एब्रिज्ड वो होती है जो अगर बड़ी कोई कहानी है किसी व्यक्ति की उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना और इजी वे में लिखना सरलता से लिखना और पढ़ना. मैनी क्लासिक आर एब्रिज सो दैट चिल्ड्रन कैन रीड देम इजीली ताकि बच्चे सरलता से पढ़ सकें. एंड इपिक इपिक यानी आपके हमारे जो हिंदुस्तान इपिक है जैसे महाभारत हुई रामायण हुई इज अ वेरी लॉन्ग पोयम बहुत लंबी स्टोरी कह सकते हैं हम. टाइपिकल एंड डिवाइड फ्रॉम द एंशियंट ओरल ट्रेडिशन पुराने ट्रेडिशन के ऊपर लिखी गई एपिक कहलाती है. नैरेटिंग द डेट्स एंड एडवेंचर पूरा एडवेंचर के बारे में बताया गया और हेरोइक और लीजेंडरी फिगर्स और द पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताया गया नेशन के बारे में. इन ग्रीन बाय होमर कैलवाला फिनिश नेशन एपिक महाभारत एंड रामायण हिंदू रिलीजियन अलग अलग रिलीजियन के बारे में जो लॉन्ग पोयम रहती है उन्हें कहते हैं एपिक. यहां आपको बुक्स दी हुई हैं देखिए आप. ए ट्रांजिशन इज एनी राइटिंग विच इज रिटन इन वन लैंग्वेज. ट्रांजिशन वो होता है जैसे किसी अदर भाषा में लिखी हुई को जैसे इंग्लिश की पोयम को हिंदी में राइट करना ट्रांसलेशन कहलाता है या किसी तमिल भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट करना संस्कृत टू हिंदी में लिखी हुई कविता या स्टोरी वो ट्रांसलेशन कहलाती है.